भड़का रही है कि कांग्रेस किसानों को, या आप लोग भड़का रहे हैं मौके का फायदा उठा के? देखिए, केसी त्यागी जी पुराने समाजवादी नेता हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं और मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं, और उनके मन की व्यथा को भी मैं समझ रहा हूं और मजबूरी को भी समझ रहा हूं कि वो खुल के बोल नहीं पा रहे हैं। संवित सरकार थी एक केरल के अंदर, और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने पट्टन थानू पिल्ले की सरकार जिसने किसानों पर गोली चलाई थी उसका इस्तीफा मांग लिया था। वो नैनी जेल में बंद थे उस समय। यह समाजवादियों का इतिहास रहा है। आज क्या हो रहा है? मैंने पार्लियामेंट के अंदर बार बार इस बात को कहा था रोहित जी कि जब तक आप एमएसपी की गारंटी कानून में नहीं लिखते, बिल में नहीं लिखते, आपके भाषण से किसी किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलने वाला नहीं है। आपने कहा, प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में बोल दिया। अरे भाई, प्रधानमंत्री जी तो 2 करोड़ रोजगार देने का भी वादा कर चुके हैं। प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी के कारण को कहा दूसरी आजादी मिल रही है। प्रधानमंत्री जी ने कहा देश में लाखों करोड़ काला धन आएगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा इस देश के अंदर नोटबंदी से देश की तकदीर बदल जाएगी। तो प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी बातें भाषणों में कही हैं, रैलियों में कही हैं, और अगर केंद्र सरकार की नीयत साफ है रोहित जी, तो इसको बिल में लाने में क्या आपत्ति है? अगर आपकी नीयत ईमानदार है तो आप एक लाइन खाली आप लिख दीजिए कि हम एमएसपी की गारंटी देते हैं, और अगर कहीं भी न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम में कोई खरीद करता हुआ पकड़ा जाएगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। अब आप मुझे बताइए, अगर आप ये बिल में नहीं लिखेंगे, मैं एक किसान हूं, मुझे कहीं एमएसपी नहीं मिली, मैं कोर्ट में गया, मैंने जज साहब के सामने याचिका दाखिल की, मेरी याचिका को पकड़ के जज साहब कूड़ेदान में डाल देंगे। वो कहेंगे कानून में तो कहीं लिखा नहीं, आपको एमएसपी हम कैसे दिला दें? इसका मतलब भाषणों से, रैलियों से, बोलने से नहीं, बल्कि आपको बिल में लिखना है, नंबर एक बात। दूसरी, आपने कॉरपोरेट खेती की बात कर दी। तीसरी, आपने उसमें असीमित भंडारण की छूट दे दी। अब असीमित भंडारण रोहित जी को छोटा मोटा किसान नहीं कर पाएगा। असीमित भंडारण कौन करेगा? बड़े बड़े पूंजीपति करेंगे। बाजार से गेहूं, चावल, गेहूं उठाएंगे, धान उठाएंगे, मक्का उठाएंगे, सब्जियां उठाएंगे, फल उठाएंगे, उसको असीमित तौर पे भंडारण करेंगे, और जब बाजार में उसकी कमी आ जाएगी तो महंगाई बढ़ेगी, उसको महंगे दामों में बेचेंगे। तो काला बाजार जी, बिल के अंदर जो बदलाव आप चाहते हैं, ये किसानी बतौर एक सांसद वैधता घोषित करता है। मैं आपसे उस पर एक बार को सहमत हो भी जाऊं कि बतौर सांसद आप इसमें बदलाव की मांग कर रहे हैं और आप संसद तक वो आवाज उठाते रहे, पहले इस कार्यक्रम में बैठ के भी आपने ये सवाल उठाए, लेकिन इससे इतर मेरा सवाल ये है सर, आपकी सरकार दिल्ली में 2000 रुपए का चालान काटती है एक आदमी का जो बिना मास्क के पकड़ा जाए, शादी में चालान कटवा देती है गिनने के बाद कि भाई तुमको जितनी हमने संख्या तय कर रखी है उससे ज्यादा आदमी तुमने बुला लिए, लेकिन किसानों के लिए कहती है आ जाओ क्योंकि इससे राजनीतिक लाभ की संभावना दिखती है। क्यों? आपकी सरकार भी तो कह सकती है कि यह आपदा का दौर है, हम आपकी तरफ से सरकार से अपील कर रहे हैं कि बैठ के बात की जाए, कर रहे हैं आप। और ये आंदोलन की शक्ल उस तरीके की ना हो। गलत व्याख्या आप कर रहे हैं। मैं रोहित जी, मैं आपको खुद कह रहा हूं कि ये बिल्कुल गलत व्याख्या कर रहे हैं। लोगों का जीवन इस कोरोना की महामारी और संकट में बचाना जरूरी है, लेकिन किसान को अगर उसके फसल का दाम नहीं मिल रहा है, अगर खड़े खेत में धान पर ट्रैक्टर चलाना पड़ रहा है, अगर 1850 तो कोरोना में झोंक दे, भीड़ लगा दे, 1000 रुपए और 800 रुपए में बेचना पड़ रहा है। केसी त्यागी जी उत्तर प्रदेश से हैं, बहराइच की मंडी में, पीलीभीत की मंडी में, कानपुर की मंडी में, लखनऊ की मंडी में, आप जाकर देख लीजिए, मेरठ की मंडी में, कहीं भी किसान को एमएसपी नहीं मिल रही। वो बिल्कुल ठीक इस बात को कह रहे हैं, लेकिन एमएसपी दिलाएगा कौन? सरकार में बीजेपी बैठी है, केंद्र में बीजेपी बैठी है। कब मना कर रहा हूं इस बात से? बीजेपी बैठी है, मैं खड़ा हूं आपके साथ इस बात को लेके। लेकिन दूसरा सवाल भी तो जीवन का सवाल है सर, तो किसान सवाल भी तो जीवन का सवाल है, आप ही लोगों ने तो हमें बताया। अरे तो उनके कि वो भी जीवन का सवाल है। क्या अनाज का दाम मिलना जीवन का सवाल नहीं है? क्या अनाज का दाम मिलना जीवन का सवाल नहीं है? मंदसौर के अंदर मध्य प्रदेश की अभी बात कर रहे थे, 5 किसानों को गोलियों से भून दिया गया था। क्या किसान को इस देश में आंदोलन करने का हक नहीं है? जी, मैं कोरोना का क्या केवल यही तरीका है? तो चुनाव में बिहार में हजारों लोगों की रैली हुई, आपने क्या जब किसानों के अलग अलग जत्थे जा रहे हैं, आपने खुद सुना होगा संजय जी, कोरोना के काल में कोई कह रहा कि मैं रामलीला मैदान जा रहा हूं,
कोई कह रहा है बुराड़ी जा रहा है, कोई कह रहा है जंतर मंतर जाना है, मैं बता रहा हूं। किसी को कोई ये नहीं पता कि वो कहां जाके बैठ के क्या धरना देना चाहते हैं, क्या ये संभव नहीं है? तो उनसे कुछ लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल चुनकर बातचीत करवा दी जाए, रास्ता है इसका, और उसको हल करवाया जाए मामले को, बजाय इसके कि उसका राजनीतिक लाभ लेने के लिए बकायदे सरकार के लोगों को कहा जाए कि आओ आओ सड़क पे आओ। एक रास्ता है, किसी को भड़काने का मौका आप क्यों दे रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूं, केंद्र की सरकार अगर उसको लगता है कि कोई उनको भड़का रहा है तो किसानों की मांग मान लीजिए।